वेलकम बैक गाइस। तो नोज़ और लिप्स के बीच का डिस्टेंस होता है वो तो एक आँख के बराबर होता है, जिसे इस प्रकार देख सकते हैं। और जो लिप्स और ठुड्डी के बीच का गैप भी एक आँख के बराबर बात करते हैं शेडिंग की। इसमें जो आंखों की आईबॉल होगी उसमें हल्का से और बीच में हाईलाइट छोड़कर शेड करना है। बालों का पोर्शन बता दूं, पेंसिल को एकदम धीरे पकड़ के शेड करना है, हल्का हल्का, बहुत ही आराम से। दोनों आंखों के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो एक आंख के बराबर ही होता है। जो बालों में जो शेडिंग आएगी एकदम से डार्क नहीं करना कभी भी, बिल्कुल लाइट डार्क। और जो कान का पोर्शन होगा वो नाक के लेवल के बराबर आएगा इस प्रकार से। अब आता है ठुड्डी या चिन। जो चिन और गले का जो पोर्शन होगा वो माथे के लेवल के बराबर आएगा। वीडियो को पूरा देखिए जिससे कि समझ में आए, कंजूसी ना करें। बाकी नीचे के पोर्शन में भी लाइट टू डार्क ही सेट करेंगे। रेगुलर लाइव स्केचिंग करते रहिए, खुद ब खुद आपको अंतर दिखाई देगा। और स्केचिंग करने में डरिए नहीं, बाकी कंधे का पोर्शन लेवल में होना चाहिए। जिससे बॉडी का पोर्शन बिगड़े ना। ड्राइंग में लाइट डेप्थ एंड प्रोपोर्शन का ध्यान दें। लगातार प्रैक्टिस करते रहिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। टेक केयर, थैंक यू।